आई ऑलफ यू वेलकम आई एम रवि अग्रवाल वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन करेंट अफेयर एपिसोड नंबर फाइव दोस्तों आज हम बात करेंगे करेंट अफेयर एपिसोड नंबर फाइव की जिसका जो मीडियम रहेगा वो रहेगा इंग्लिस एंड हिंदी यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने कवर किया है ट्वेंटी फर्स्ट से ट्वेंटी फिफ्थ जून के जो भी करेंट अफेयर्स हैं उनको मोस्टली कवर करने का हम लोगों ने ट्राई किया है दोस्तों अगर आप इस चैनल के लिए अभी तक नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं इस सेशन के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप हमें लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं या अपने फीडबैक या जो भी थिंग्स आप सोचते हैं वो हमें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेसन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एवरी ईयर ट्वेंटी फर्स्ट जून इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन टू थाउजेंड ट्वेंटी विच एडिशन ऑफ द डे वॉज सेलिब्रेटेड हर साल इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है दो हजार बीस में जो दिवस का संस्करण मनाया गया यानी अभी हम टू थाउजेंड ट्वेंटी में कौन सा अपना योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके पास फाइव ऑप्शन हैं सिक्स फोर एट सेवंथ एंड फिफ्थ आप जल्दी से आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ जल्दी से फास्ट एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज सिक्स अभी हमारा जो लेटेस्ट ट्वेंटी फर्स्ट जून को योगा डे सेलिब्रेट हुआ था वो हमारा सिक्स नंबर का योगा डे था and the theme of International Day of Yoga 2020, Yoga for Health, Yoga at Home. yaad rakhna Yoga for Health, Yoga at Home. and basically 11th December 2014 ko United Nation ne इसे permit किया था कि 21 June को International Day of Yoga हम लोग celebrate करेंगे. तो so, hope यहाँ तक clear होगा आपका Yoga Day के बारे में. Next question number two चलते हैं. वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट विश्व संगीत दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज ट्वेंटी फर्स्ट जून ऑलमोस्ट वन ट्वेंटी कंट्रीज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड म्यूजिक डे है हाँ ना 120 कंट्री के आसपास ये डे सेलिब्रेट करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की हम बात करते हैं निक्की पुनाचा इज़ एन इंडियन नेशनल चैम्पियन एसोसिएट विद विच स्पोर्ट्स निक्की पुनाचा एक भारतीय राष्ट्रीय चैम्पियन किस खेल से जुड़ी हुई हैं ऑप्शंस बैडमिंटन चेस टेनिस रनिंग और क्रिकेट क्या रहेगा यहाँ पर आपका फाइनल आंसर एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज टेनिस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट आप ये जान लीजिएगा कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट यानी सी हैं वो कौन हैं देन उसके बाद हम बात करें सी ओ ओ चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड बेसिकली हेड क्वार्टर सो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा सी ई एंड सी ओ ओ कौन है हेडक्वार्टर इसका है लंदन यूनाइटेड किंगडम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है ट्वेंटी सेकेंड जून फिफ्टींथ एटीन ट्वेंटी फर्स्ट और ट्वेंटी आपके पास फोर ऑप्शन हैं कम मनाया जाता है एंड द फाइनल आंसर इज ट्वेंटी फर्स्ट जून ऑप्शन नंबर डी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लीजिए एग्जाम से रिलेटेड इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टाब्लिश हुई थी वो हुई थी 1921 एंड एम स्मिथ इज द चेयरमैन याद रखिएगा ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर हु हैड द कमिटी फॉर्म बाय नीति आयोग टू डेवलप जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबर्स एंड अदर्स कौन नीति आयोग द्वारा बनाई गई समिति का प्रमुख है जिसके लिए नौकरी मंच विकसित करना है जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं और अन्य लोग हैं उनके लिए फाइव ऑप्शंस ये आपको मैं एपिसोड नंबर फोर में भी नाम दे चुका हूँ बेसिकली एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज़ अमिताभ कांत एंड हेड क्वार्टर ऑफ नीति आयोग इन दिल्ली चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जैसा कि पता है आपको नरेंद्र मोदी जी हैं एंड सी इज़ अमिताभ कांत एंड वाइस चेयरमैन ऑफ़ नीति आयोग इज राजीव कुमार आप ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा जैसे जैसे मैं आपको हर एक एपिसोड में कुछ कुछ की पॉइंट्स देता हूँ कई बार रिपीट होते हैं तो आपके माइंड में काउंट होने चाहिए एंड दोस्तों मैं कभी कभी ये भी देखता हूँ कि कई स्टूडेंट्स ये वीडियोज़ पूरा नहीं देखते सोचते हैं इतना लंबा कौन देखेगा याद रखिएगा आप जो भी देख रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से देख रहे हैं आपका एम है गवर्नमेंट जॉब मैं फिर से बोल रहा हूँ ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ हो सकता है आपका लास्ट फिफ्टी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम का पहला क्वेश्चन बन जाए तो मेक श्योर sure आप जरूर से लास्ट तक देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी जिसका शॉर्ट फॉर्म है एन आई पी एफ पी फॉर फोर ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जून ट्वेंटी सेकेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी बाईस जून दो हजार बीस से चार वर्षों के लिए राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है एंड द माई फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी उर्जीत पटेल उर्जीत पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एन आई पी एफ पी नेक्स्ट हम बात करते हैं उर्जीत पटेल को जो रिप्लेस किया गया है बेसिकली वो विजय केलकर जी की जगह रिप्लेस किया गया है आप ये भी याद रखिएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका नेम ऑफ द इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन एन एस एफ बाई द यू एस सीनेट भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एक फाउंडेशन है जिसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन क्या आंसर रहेगा आपका आपके पास फाइव ऑप्शन हैं एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज डॉक्टर सेथु रमन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं हम लोग विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलाबरेटेड विद नेशनल विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम फॉर डेका वोनरजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट का नाम है जिसका नाम है डेका वोनरज ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया उसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों ने कोलाबरेट किया है क्या आंसर रहेगा आपका एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज़ नीति आयोग अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स नीति आयोग के बारे में बता चुका हूँ राइट सेक्रेटरी जर्नल ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम यंग टे किम है आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन फेमस स्पोर्ट्स पर्सन राजेंद्र गोयल पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स प्रसिद्ध खिलाड़ी राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हो गया है वो कौन से खेल से थे आप अपने आंसर्स लाइव चैट में भी देते रहिएगा जरूर से दीजिएगा एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई इज क्रिकेट बेसिकली द एज ऑफ सेवेंटी सेवन इलनेस की वजह से रोहतक हरियाणा में इनका देहांत हुआ राइट right? आगे हम बात करते हैं ही रिप्रेजेंटेड दैली फ्रॉम 1963 एंड इन 1973 आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एनहेंस द विड्रॉल लिमिट फॉर डिपोजिटर्स ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई फ्रॉम फिफ्टी थाउजेंड टू डेट डेस्ट डेस्क पर डिपोजिटर यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई के जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा पचास हजार रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई पर जमाकर्ता यानी हर एक जमाकर्ता के लिए पंजाब एंड महाराष्ट्र मतलब पीएमसी पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक है एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज़ वन लैख अभी तक जो बिडलॉ रिमिट था पर डिपोजिटर वो कितना था फिफ्टी थाउजेंड बट अभी वन लेख हो गया है एंड द आर बी आई गवर्नर ट्वेंटी फिफ्थ गवर्नर ऑफ आर बी आई मिस्टर शक्तिकांता दास एंड हेड क्वार्टर इज इन मुंबई एंड फाउंडेड फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन थर्टी फाइव इन कोलकाता नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की द क्वेश्चन नंबर इलेवन इज द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है आपके सामने फाइव ऑप्शंस ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थर्ड एंड ट्वेंटी फिफ्थ एंड द फाइनल आंसर आप जल्दी से मुझे बताइए फिर मैं आपको बताता हूं क्या आपका फाइनल आंसर है यहां पर एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्वेंटी थर्ड जून इज फाइनल आंसर होप आप राइट होंगे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिक इज ग्लोबली ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून सिंस विच ईयर यानी संक्रांति के उत्सव का अंतरराष्ट्रीय दिवस 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है यह किस वर्ष से है बेसिकली यह आपको पूछा जा रहा है कि यह जो दिवस है वो किस वर्ष से मनाया जाता है क्या आंसर रहेगा आपका एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई इज 2019. नेक्स्ट स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय फ्रांस फॉर इंडिया टू सपोर्ट द कंट्री इन डीलिंग विद कोविड नाइन्टीन भारत द्वारा समर्थन के लिए फ्रांस द्वारा ऋण की कितनी राशि स्वीकृत की गई है कोविड नाइन्टीन से रिलीफ होने के लिए या रिलैक्स होने के लिए फाइव ऑप्शन हैं अगेन आपके पास नंबर थर्टीन में यहां पर आप जान लीजिएगा फ्रांस का कैपिटल पेरिस है पेरिस इज द कैपिटल ऑफ द फ्रांस एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टू यूरो टू हंड्रेड मिलियन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड यूएसडी वन पॉइंट जीरो फाइव विलियन for three project in which country to generate quality jobs and boost economy recovery in the wake of the covid-19 pandemic विश्व बैंक ने कोविड 19 महामारी के मद्देनज़र गुणवत्ता वाले रोजगार उत्पन्न करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए किस देश में तीन परियोजनाओं के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है कौन सी कंट्री है वो जहां पर वर्ल्ड बैंक ने 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश होपफुली आपका भी यही आंसर आया होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इज शेख हसीना कैपिटल ढाका एंड करेंसी इज टका एंड द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर डेविड मालपास नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ़ द प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन पी आर एम आई एफ इट्स न्यू इंडिया ऑफिस जिन्होंने पेशेवर के मुख्य कार्यकार अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन में क्या नाम है उनका क्या आंसर रहेगा आप सोचिए अपना देखिए जो भी मैं यहाँ पर आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ मैं ये इसीलिए ब्रेक देता हूँ कि आप भी सोचें कि आपका आंसर क्या रहेगा एंड फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज़ निराकर प्रधान यहाँ पर आप देख लीजिएगा पी आर एम आई ए फाउंडेड टू थाउजेंड टू आप लिखना चाहे तो ये सब लिखते रहिएगा जो भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ लिखते रहेंगे तो एग्जाम में आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड द फाउंडेड इन टू थाउजेंड टू हेड क्वार्टर यूनाइटेड स्टेट में है आप मुझे ज़रूर से बताइएगा यूनाइटेड स्टेट के किस शहर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की ओर इंटरनेशनल बिडो डे इस ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है कब ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर क्या रहेगा आपका फाइनल आंसर एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी थर्ड जून नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ बीन चूजन बाय द जर्मन बुक ट्रेड फॉर ट्री प्रिस्टीजियस टू थाउजेंड ट्वेंटी पीस प्राइज फोर हेज पॉइनरिंग वर्क एड्रेसिंग इश्यूज एंड ग्लोबल जस्टिस सोशल इनिक्विटीज इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे जर्मन बुक ट्रेड द्वारा चुना गया है 2020 शांति पुरस्कारों के मुद्दे को संबोधित करते हुए कौन है वो पर्सन जिसे जर्मन बुक ट्रेड द्वारा चुना गया है क्या आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई अमृत सेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हु इनोगेट वर्चुअल इंडिया पवीलियन कांस फिल्म फेस्ट मार्केट 2020 कांस फिल्म मार्केट 2020 के वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया आपके पास फाइव ऑप्शंस हैं फाइनल आंसर हमारा होगा यूनियन मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रकाश जावड़ेकर इनोगेट द वर्चुअल इंडिया पवेलियन एडकांस फिल्म मार्केट टू थाउजेंड ट्वेंटी याद रखिएगा यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की ओर बात करते हैं हु ऑर्गेनाइज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक एक्सपो टू थाउजेंड ट्वेंटी जिन्होंने भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन का आयोजन किया जो एक्सपो 2020 है किसने उसका आयोजन किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो नीति आयोग है एफ एस एस ए आई है एफ आई सी सी आई है सोचिएगा आंसर बताइएगा मुझे एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एफ़ आई सी सी आई यहाँ पर फुल फॉर्म जान लीजिएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ एफ़ आई सी सी आई का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं मिस्टर डी वी सदानंद गौड़ा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ उत्तराखंड रणजी टीम फॉर अपकमिंग season? आगामी सीजन के लिए उत्तराखंड रणजी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपके पास फाइव ऑप्शंस वसीम जाफर सचिन तेंदुलकर एम एस धोनी वीरेंद्र सहवाग राहुल द्रविड़ क्या रहेगा आपका आंसर जल्दी से बताइए मुझे मैं वेट कर रहा हूँ फास्ट जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं जल्दी से आंसर दीजिए अपना एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए होप आप चेक कीजिए आप राइट है या है सो so स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने ट्वेंटी क्वेश्चन की बात की है फिफ्टी में से ट्वेंटी क्वेश्चन होप आपको समझ में आया होगा अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें दिए गए नंबर पर कॉल या कमेंट हमें कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच अमंग दीज डेज इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक डे इन दिनों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है कौन सा दिन है जिसे हम ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं फाइव ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज ट्वेंटी थर्ड द ओलम्पिक डे के लिए कुछ फैक्ट फिगर्स है वो आप जान लीजिए द ओलंपिक डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन ट्वेंटी थर्ड जून नाइनटीन फोर्टी एट ओवर द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स ओलंपिक डेज बीन एसोसिएटेड विद ओलंपिक डे रन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो है उसके हैं थॉमस वीच आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की नेम द मूवी प्रोड्यूसर एंड फिल्म्रोपिस्ट हु प्रोड्यूस फिल्म सच एज गेट क्रिएटर एंड एवरी ब्रेथ एंड ऑल्सो रॉट द स्क्रीन प्ले फॉर मूवी कंगारू जैक पास्ड अवे रिसेंटली फिल्म निर्माता और परोपकारी का नाम बताइए जिन्होंने गेट कार्टर और हर सास जैसी फिल्मों का निर्माण किया और फिल्म कंगारू जैक के लिए स्क्रीन प्ले किया और उनका हाल ही में निधन हो गया क्या आंसर रहेगा आपका यहाँ पर एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई स्टीव बिंग जो अभी रिसेंटली उनका डेथ हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की बात करते हैं विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू जॉइन मल्टी आर्म्स ट्रेड ट्रीटी किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है वो कौन सी कंट्री है इंडिया अमेरिका कोरिया चाइना पाकिस्तान आंसर रहेगा आपका एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विख्यात व्यक्तित्व लक्ष्मण सिंह लेहल का हाल ही में निधन हो गया है रिनाउंड पर्सनैलिटी लक्ष्मण सिंह लेहल पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज ए कौन थे लक्ष्मण सिंह लेहल जिनका हाल ही में निधन हो गया है एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ही वॉज ए आर्मी मैन नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव नेम द बैंक विच कोलेबरेटेड विद अफोर्ड प्लान टू लॉन्च को ब्रांडेड हेल्थ केयर कॉल्ड स्वास्थ्य कार्ड उस बैंक का नाम बताइए जिसने सह ब्रांड लॉन्च करने के लिए अफोर्ड प्लान के साथ सहयोग किया है और जिसका हम लोगों ने नाम दिया है स्वास्थ्य कार्ड कौन सी बैंक है वो एंड द फाइनल आंसर इज यस बैंक बेसिकली आगे बढ़ने से पहले इस कार्ड के थोड़े से बेनिफिट आप जान लीजिएगा बेसिकली इसके लिए नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर दिस कार्ड फुल के वाई सी टू बी डन विद इन ट्वेंटी फोर मंथ फ्लेक्जिबल रिचार्ज फ्रॉम हंड्रेड रुपीज़ अप टू मैक्सिमम बैलेंस ऑफ वन लेख ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्वेंटी सिक्स की कोलकाता वेस्ड यूको बैंक हेथ पार्टनर्ड विद विच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर इट्स कस्टमर कोलकाता स्थित यूको बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है किस कंपनी के साथ किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ यूको बैंक ने टाई अप किया है या पार्टनरशिप की है यहां पर आप यूको बैंक का हेड क्वार्टर जैसे कोलकाता बेस्ड है तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है एम डी एंड सी ऑफ यूको बैंक है अतुल कुमार एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एस आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल लीजेंड ऑफ सुहेल देव लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव इंडिया लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव इंडिया शीर्षक के पुस्तक जो है किसने लिखी ये पुस्तक के राइटर कौन हैं ये पुस्तक किसने लिखी है एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज अमीश त्रिपाठी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पूर्णिमा जानेन हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट पूर्णिमा जानेन का निधन हाल ही में हुआ है वो किस खेल से जुड़ी हैं क्या आंसर रहेगा

इन द फिजिकल ईयर 2020 इन इट्स जून अपडेट टू ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020 एंड ट्वेंटी में अपने जून में अपडेट वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था को सिंक होने का अनुमान लगाया है वो क्या अनुमान लगाया है कितना अनुमान लगाया है क्या आंसर रहेगा आपका इन द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज थ्री पॉइंट वन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी की बात करते हैं हम लोग द कर्नाटका बैंक हैज़ लॉन्च ए न्यू प्रोजेक्ट के बी एल माइक्रो मित्र फॉर एम एस एम ई हु इज़ द एम डी एन सी ओ ऑफ कर्नाटका बैंक कर्नाटक बैंक ने हाल ही में एमएसएमई के लिए एक नया उत्पाद केवीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया है नाउ यहां पर आप ये बताइए कि कर्नाटक बैंक है उसके एम डी एन सी ओ कौन है आपके पास फाइव ऑप्शन एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वरा एम एस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन की बात करेंगे यहाँ पर वॉट इज द थीम ऑफ द डे ऑफ सीफर टू थाउजेंड ट्वेंटी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ जून आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ट्वेंटी फिफ्थ जून ऑब्जर्व है ना किस डे के लिए ऑब्जर्व किया जाता है तो वो डे रहेगा द डे ऑफ सीफर क्या थीम है एंड द फाइनल आंसर इज सीफर्स आर द आर की वर्कर्स सीफर्स आर द की वर्कर्स एंड द डे ऑफ द सीफर्स वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2011 फर्स्ट टाइम 2011 में इस डे को सेलिब्रेट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 टू विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इंदिरा रसोई योजना कौन सी राज्य सरकार इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करेगी यूपी एम पी महाराष्ट्र राजस्थान एंड नन ऑफ दिस एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज राजस्थान राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट विल सून लॉन्च इंदिरा रसोई योजना फॉर द पुअर द स्कीम विल स्टार्ट टू एंश्योर दैट नो वन स्लीप हंगरी इन द स्टेट यानी कोई भी भूखा नहीं सोए और इस स्कीम के लिए हंड्रेड करोड़ रुपीस एवरी ईयर जो है वो एक्सपेंसेस होगा या पास हुआ है एंड सीएम ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत एंड गवर्नर इज़ कलराज मिश्रा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री की बात करते हैं द फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ द एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम हैज़ बीन लॉन्च बाय द यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर सिमरत कौर बादल द फोरम हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हर सिमरत कौर बादल द्वारा विशेष निवेश मंच का खाद्य प्रसंस्करण लॉन्च किया गया है यह मंच किसके द्वारा डिजाइन किया गया है बताइएगा थर्टी थ्री का आंसर यह डिजाइन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या बनाया गया है एंड डिजाइंड बाय इन्वेस्ट इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर रिसर्चर एज च आई आई टी हैज़ क्रिएट ए चिप नेम ध्रुवा दैट कैन बी माउंटेड इन स्मार्टफोन एंड नेविगेशन डिवाइस टू फाइंड प्लेसेज एंड रूट विद इन द कंट्री जिन शोधकर्ताओं ने आई आई टी ने ध्रुवा नाम की चिप बनाई है जिसे देश के भीतर स्थानों और मार्ग खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में रखा जा सकता है कौन सी आईआईटी है वो एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई आईआईटी बॉम्बे हेड क्वार्टर ऑफ आईआईटी बॉम्बे इज इन मुंबई महाराष्ट्र राइट याद रखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव की ओर मूव करते हैं युक्ति टू पॉइंट जीरो प्लेटफॉर्म हैज बीन वर्चुअली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक युक्ति स्टैंड फॉर यहाँ पर युक्ति किसके लिए स्टैंड करता है देखिए आपको यंग इंडिया कॉम्बिटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड ये आपके फाइव ऑप्शंस में सेम है अब आपको लास्ट में ये बताना है आई स्टैंड फॉर वॉट इंटरनेट है इनोवेशन है इमिग्रेशन है क्या रहेगा आई का मीन क्या है बेसिकली एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई इज इनोवेशन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स की ओर द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द डिक्लेरेशन ऑफ कुशीनगर एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केंद्रीय मं ्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट यह किस राज्य में स्थित है जो कुशीनगर एयरपोर्ट है जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस अभी मिलने की मंजूरी मिल चुकी है वो किस स्टेट में है क्या आपके आंसर्स रहेंगे मुझे बताते जाइए फास्ट अपने आंसर्स जल्दी से मुझे पोस्ट कीजिए यस गुड 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 एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यूपी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन जोइल सुमाकर हु पास्ड अवे रिसेंटली इज जोइल सुमाकर का हाल ही में निधन हो गया है वो किसके लिए जाने जाते हैं क्लासिकल डांसर पेंटर म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर किसके लिए जाने जाते हैं एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज फिल्म डायरेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल आषाढ़ी बेस इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया पारंपरिक नववर्ष का त्यौहार आषाढ़ी वीज भारत के किस राज्य में मनाया जाता है फाइव ऑप्शन है एमपी राजस्थान यूपी बिहार एंड गुजरात क्या रहेगा आपका एंड द फाइनल आंसर इज गुजरात ये कच्छ रीजन में मनाया जाता है गुजरात के एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ग्रीटेड द पीपल on special occasion the name is asadi bis next question number 39 ki baat karte hain punjaja bridge is located at jo ek bridge hai jiska naam hai punjaja bridge कहाँ पर स्थित है हमारी state के अंदर located है या union territories के अंदर एंड द फाइनल आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली 36 सिक्स मंथ में जाकर ये ब्रिज कम्प्लीट हुआ एंड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने दो ब्रिज का उद्घाटन किया था जिसमें से पुंजाजा एक ब्रिज है एंड दूसरा ब्रिज का नाम है देविका ये दोनों ही ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में है नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी द पंचायती e e राज डेवलपमेंट ऑफ़ विच स्टेट हैज़ वोन द फर्स्ट प्राइज अंडर द ई पंचायत पुरस्कार 2020 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई एप्लीकेशंस डेवलप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा विकसित ई e आवेदन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका डिपार्टमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्राइज ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस स्टेट ने जीता है एंड द फाइनल आंसर इज हिमाचल प्रदेश नाउ आप मुझे यहां पर एज ए होमवर्क एक क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ रहा हूं आप मुझे ये बताइएगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज कौन है आप अपने आंसर सेशन को ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिए तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों ने फोर्टी क्वेश्चन की बात कर ली है आउट ऑफ फिफ्टी अभी हम लास्ट टेन क्वेश्चन की और बात करते हैं होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा एक बार मुझे जरूर से बता दीजिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना कोई भी डाउट लगे तो स्टूडेंट्स नंबर मैंने दे ही रखे हैं आपको आप कभी भी कॉल कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन झारखंड गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च ए हंड्रेड डे एम्प्लॉयमेंट स्कीम नेम मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार योजना झारखंड गवर्नमेंट ने हंड्रेड डेज का एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च किया है जिसको नाम दिया मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हु इज द सी एम ऑफ झारखंड द क्वेश्चन इज दैट हु इज द सी एम ऑफ झारखंड एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हेमंत सोरेन देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं यहां पर बैक टू बैक कई बार सी एम की गवर्नर की स्टेट कैपिटल्स की तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लास्ट में आपको डेफिनेटली लिंक दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक है आप जरूर से देखिएगा आपको सी एम गवर्नर्स स्टेट कैपिटल जरूर से याद हो जाएंगे जो आपके लिए आगामी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ़ मेरीलोव क्रिकेट क्लब एम सी सी इन इट्स टू थर्टी थ्री ईयर ओल्ड हिस्ट्री दो सौ तैतीस साल पुराने इतिहास में मैरी लेवोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है क्या आंसर रहेगा एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आप चेक कीजिए आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री की नेम द फोक आर्टिस्ट हु विल बी ऑनर्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट विद द विठल नायरनोकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फोर ईयर टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन उस लोक कलाकार का नाम बताइए जिसे वर्ष 2018-19 के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बीताबाई नारायणोकार आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो नेम है वो बीताबाई है याद रखना बिठ्ठल नहीं है बीताबाई है इट्स माई मिस्टेक एंड आंसर्स आपको ऑलरेडी डार्क करके रखा है हम लोगों ने एंड द फाइनल आंसर्स आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर नेम द तृणमूल कांग्रेस एम एल ए हु पासड अवे रिसेंटली ही रिप्रेजेंट फाल्टा असेंबली कॉन्स्टिटुएंसी इन साउथ ट्वेंटी फोर परगना डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस के विधायक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है पश्चिमी बंगाल में दक्षिण ट्वेंटी फोर परगना जिले में फाल्टा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया क्या नाम है उनका तृणमूल कांग्रेस के विधायक एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हु विल लॉन्च द ई ब्लड ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप को कौन लॉन्च करेगा क्या आंसर रहेगा

ए एच आई डी एफ जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए एच आई डी एफ आप ध्यान से पढ़िए क्या आंसर रहेगा इसका आपको सिर्फ मुझे ऑप्शंस बताना है ए बी सी डी और ई एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन विच स्टेट लॉन्च एक टू खेलो एक टू पढ़ो मीन्स प्ले लिटिल स्टडी लिटिल इनिशिएटिव फॉर स्कूल चिल्ड्रन किस राज्य ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो लॉन्च किया है स्कूल बच्चों के लिए कौन सा स्टेट है वो आपके पास फाइव ऑप्शंस हैं एंड द फाइनल आंसर इज त्रिपुरा होप आपका आंसर भी मेरे से मैच कर रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट द मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम फॉर मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड ने डैश 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 के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है यानी मध्य प्रदेश का जो विद्युत कंपनी लिमिटेड है मध्य क्षेत्र उसने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है निष्ठा विद्युत क्षेत्र वो स्कीम किसके लिए लॉन्च की है क्या आंसर रहेगा आपका देखिए आंसर जानने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर से जान लीजिएगा कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है उसका शॉर्ट फॉर्म है एम पी एम के वी वी सी एल तो कभी एग्जाम में ऐसे आए तो आप भी याद रखना एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई फॉर वुमेन नेक्स्ट लास्ट टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन एज पर द डेटा रिलीज्ड बाई यूनाइटेड स्टेट यू एस ट्रेजरी डिपो या ट्रेजरी डिपार्टमेंट वॉट इज़ इंडियाज़ पोजिशन एज ए होल्डर ऑफ यू एस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की क्या स्थिति है यूएस सरकार के एक धारक के रूप में एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज ट्वेल्थ यानी भारत बारहवें नंबर पर है एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ़ टुडे सेशन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद रिलायंस जियो टी वी टू एजुकेट स्टूडेंट ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन पैंडामिक किस राज्य सरकार ने कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान छात्रों को शिक्षित करने के लिए रिलायंस जियो टी वी के साथ साझेदारी की है कौन सा स्टेट है वो एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज हरियाणा सो so, दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने आपसे बात की एपिसोड नंबर फाइव की जहाँ पर हम लोगों ने कवर किया ट्वेंटी फर्स्ट टू ट्वेंटी फिफ्थ जून होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन समझ में आया होगा आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ शेयर लाइक फॉलो कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस वेल आइकन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल के लिए आप अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के लिए हम आप लोगों के साथ यही बातें करेंगे जल्दी हम आपके साथ हाजिर होंगे एपिसोड सिक्स लेके। आज के लिए इतनी ही बातें थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग